हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉर्डिनेशन कंपाउंड है तो अभी हम फिजिकल की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या पार्ट डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो लेक्चर दैट इज मेटल मेटल इन इन्सॉल्यूबल सॉल्ट एंड एन हाफ सेल इसके ऊपर जेई मेन जेई एडवांस्ड हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दिस मेक्स अप एन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो चलिए बात करें मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं इसमें थोड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि किसी मेटल मेटल इन सॉलिबल सॉल्ट एन एन हाफ सेल का पोटेंशियल सिंपल मेटल मेटल एन हाफ सेल के पोटेंशियल के टर्म्स में कैसे लिखते हैं अगर रिडक्शन में है तो रिडक्शन हाफ के टर्म्स में लिखेंगे जैसे मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूं ये वाला पार्ट तो क्या रिवीजन? जैसे मान लो मुझे ये कह दिया जाए कि ई फाइंड आउट करना है ब्रोमाइड ब्रोमाइडायन एजीबीआर सिल्वर और ये कंसेंट्रेशन कुछ दी हुई है मान लो सी मोल पर लीटर ऑब्वियसली मेटल मेटल इनसोलिबल सॉल्ट एन आय हाफ सेल इज प्रेजेंट तो मैंने कहा था अब पहले तो पहचानूं कि ये रिडक्शन में पूछ रहे हैं याक right है, तो कर रहा है तो इसका मतलब दिस इज सिंपली इक्वल टू सिंपल मेटल मेटल हाफ सेल तो सिंपली मेटल मेटल हाफ सेल किसके बराबर ई ऑफ वॉट ए जी प्लस ए जी ये इसके पोटेंशियल के बराबर है वेयर

ए नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन की वैल्यू वन है इस केस में लॉग ऑफ जब रिएक्शन लिखोगे तो वन अपॉन एजी प्लस कंसेंट्रेशन जो कि इसके बराबर है ये रही। रख दो वैल्यू यहां यू विल गेट आंसर अच्छा ये तो रिडक्शन में था अगर ये ऑक्सीडेशन में होता तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में इससे पहले आप लास्ट वाला वीडियो लेक्चर भी एक बार रिवाइज कर ले तो आपको हेल्प रहेगी मान लो कोई ऐसे पूछ ले और एग्जाम्पल हमें ये फाइंड आउट करना है ई e. अच्छा ई नॉट ही पूछ ले मान लो ई नॉट ऑफ मान लो सिल्वर सिल्वर कार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयन अच्छा जैसे ही ई नॉट बोला तो फिर तो एक ही तो वेरिएबल है कौन कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन दिस इज बन एम नॉट बोलते ही कंसेंट्रेशन क्या हो गई जो वेरिएबल है इसकी वन एम अब बताओ ये किसके बराबर है पहले तो पहचानो कि ऑक्सीडेशन हाफ है ध्यान दो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है तो बोलो क्या कितनी बार बता चुका हूं बोलो क्या इट इज एनोड तो इट इज एनोड वर्किंग एज एनोड ऑक्सीडेशन हाफ तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो या मेटल मेटल एन का ई ऑफ ए जी प्लस ए जी सॉरी एजी कन्वर्टेड टू ए जी प्लस एक्व इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसका तरीका पता ही होता है वह एजी प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू वो पता ही है एजी प्लस का स्क्वायर इनटू कार्बोनेट आज इक्वल टू के तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ऑफ सिल्वर कार्बोनेट अपॉन कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन वो क्वेश्चन में दीवी है दीवी क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन पूछ रहे हैं तो, 1 ही तो हो गई तो स्क्वायर रूट ऑफ के एसपी अपॉन वन यहां से प्लस आ जाएगा इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना इस बार ऑक्सीडेशन का हाफ लिखना है ऑक्सीडेशन का हाफ का मतलब लाइक दिस ए जी कन्वर्टेड टू एजी प्लस प्लस ई और इसी कंसेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो वही आपका आंसर होगा तो ये तरीका था टू राइट द इक्वेलेंट मेटल मेटल एन हाफ सेल ऑफ मेटल मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एन एन हाफ सेल प्रैक्टिस करते हैं लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सवाल लिखो मान लो कोई आपसे ऐसे कह दे फाइंड हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग मान लो ऐसे पूछ लें कि ए जी आई सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन ए जी सॉलिड प्लस आई माइनस एंड कंसन इज पॉइंट फाइव एम इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मान लो ई नॉट दिया हुआ है ए जी प्लस एजी का एंड दैट इज पॉइंट एट वोल्ट हालांकि बड़ा स्टैंडर्ड डेटा है और के एस पी का डेटा दिया हुआ है एजीआई के लिए आयोडाइड टन की पावर माइनस एटीन है मान लो ये डेटा दिया हुआ है करो सॉल्व क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन अंदरा देखना इसको ये मेटल मेटल इन सॉलिबल सॉल्ट है वो भी रिडक्शन हाफ है तो इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस वन आई माइनस ए जी आई ए जी और वो किसके बराबर लिख दे हम सिंपली ए जी प्लस ए जी के पोटेंशियल के बराबर वे ए जी प्लस कंसेंट्रेशन वी कैन कैलकुलेट के एस पी टेन की पार माइनस एटीन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आई माइनस विच इजन टू इन टू टेन दर माइनस एटीन एम आ गई कंसंट्रेशन ए जी प्लस की आप सोल्व कर लो इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो बस वही आंसर होगा वुड वी वॉट इ नॉट ऑफ एजी प्लस ए जी माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ही ले लो चलो अपॉन वन लॉग ऑफ इसकी रिएक्शन क्या है एजी प्लस प्लस ई कन्वर्टेड टू ए जी यही तो है हाफ सेल रिएक्शन जो इक्विवेलेंट हाफ सेल हमने लिखा है मेटल मेटल आयन के फॉर्म में तो वन अपॉन एजी प्लस पुट द वैल्यूज पॉइंट एट वोल्ट माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स लॉग ऑफ वन अपॉन टू इंटू टें पार माइनस एटीन बस कर लेना सॉल्व आप चलो मैं बता ही देता हूँ पॉइंट एट माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो ये बन गया लॉग ऑफ टेन के पार एटीन तो टेन के पार एटीन हो गया तो एटीन माइनस लॉग टू पॉइंट थ्री तो बस सॉल्व कर लो पॉइंट एट माइनस पॉइंट ज़ीरो सिक्स इंटू सेवनटीन पॉइंट सेवन देख लेना क्या वैल्यू आ गई छः बयालीस दो चार बयालीस और चार छियालीस चार छः चार दस तीन आई थिंक द वैल्यू बिकम्स वन पॉइंट जीरो सिक्स टू तो आंसर कितना हो गया ये माइनस पॉइंट टू सिक्स टू यही हुआ ना जीरो पॉइंट टू सिक्स टू वोल्ट वो कर लेना अपने हिसाब से देख लेना सो लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल दैट्स इट दिस और एक क्वेश्चन लेते हैं चलिए ये कैलकुलेशन चेक कर लेना आप अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर भी हो रहा हो तो प्रोसीजर यही है टेक वन मोर क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन ऐसा हो एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड सेल ई एम एफ Cell reaction of AG AGI KI Concentration point one uh, M KCL AGCL Silver कॉन्सेंट्रेशन टेन के पार माइनस थ्री एम इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है गिवन uh, के एस पी ऑफ ए जी सी एल टेन के दाइनस टेन केएसपी ऑफ ए जी आई इस टेंट द पार माइनस एटीन मान लो ये डेटा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ बस क्वेश्चन ये है आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सेल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है तो पोटेंशियल तो देखो एक देखो सेल ये दिया हुआ है ए जी ए जी आई के आई केसी एल एजीसीएल ए जी पॉइंट वन एम माइनस थ्री एम यही था अब ध्यान दो क्या ये एनोड पार्ट क्या ही है ये कैथोड पार्ट एनोड पार्ट भी मेटल मेटल इन सॉल्ट वाला हाफ सेल है कैथोड पार्ट भी मेटल मेटल इन सोलिबल सॉल्ट वाला हाफ सेल है तो फिर इसका तरीका क्या था आप इसे इक्वेलन सिस्टम में कन्वर्ट कर लो इसका इक्वेलन सिस्टम क्या था एजी कन्वर्टेड टू ए जी प्लस एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन मान लो सीवन है एंड सीवन वी कैन फाइंड आउट वॉट स्क्वायर के एसपी ऑफ एजीआई टेन की पावर माइनस एटीन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ के आई टेन पावर या पॉइंट वन टेन की पावर माइनस सेवनटीन एम हो गया ठीक ऐसे ही ये भी मेटल मेटल इंसॉलिबल सॉल्ट है बट रिडक्शन में तो कैसे लिखूं इसको मैं रिडक्शन में लिखो ए जी प्लस कंसेंट्रेशन मान लो सी टू है एजी इस बार सी टू की कंसनट्रेशन कितनी हो गई सी टू इज इक्वल टू के एस पी ऑफ एजीसीएल टेन की पावर माइनस टेन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन टेन की पावर माइनस थ्री एम ये टेन की पावर माइनस सेवन एम हो गया ये बन गया इक्वलेंट सेल मेटल मेटल आयन के फॉर्म में हमने लिख लिया अब जरा इक्वेशन लिखना है इसकी इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा ए जी कन्वर्टेड टू ए जी प्लस प्लस ई सी वन कंसनट्रेशन एजी प्लस कंसेंट्रेशन सी टू प्लस ई कन्वर्टेड टू ए जी सिल्वर कैंसल्ड आउट इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट सिंपल सेल इक्वेशन क्या बन गई ए जी प्लस इक्वलेंट सेल अपियर्स टू बी द कंसेंट्रेशन सेल और ये बन गया ए जी प्लस कंसेंट्रेशन सी वन के बराबर अच्छा ये तो पता ही है इसका पोटेंशियल अगर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अगर ये एक्स है तो ये उल्टा कर दिया तो इस ई नॉट रिडक्शन किसके बराबर हो गया माइनस एक्स तो ई नॉट सेल कितना हो गया ये जीरो इक्वल्ट सेल एपियस टू बी द कंसेंट्रेटेड सेल कंसेंट्रेशन सेल आप सॉल्व कर लो तो so, e इज इक्वल टू वॉट ई नॉट जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ही ले लो वन वन लॉग ऑफ सी सी टू पुट वैल्यूज माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स लॉग ऑफ सी वन देखना क्या था टेन की पार माइनस सेवनटीन टेन की पार माइनस सेवन टेन की पार माइनस सेवनटीन अपॉन टेन की पार माइनस सेवन सेवन माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स लॉग ऑफ टेन की पार माइनस टेन दस आ गया पॉइंट सिक्स वोल्ट it, यही आंसर है तो एक पार्ट तो यही हो गया कि सेल ईएमएफ कितना हुआ बता दिया आपने आपने मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट को इक्विवेलेंट मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर लिया एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन अब सेल रिएक्शन जरा सेल रिएक्शन देखें सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन देखो आ, क्या था सेल ये वाला था ए जी कन्वर्टेड टू ए जी आई के आई फिर क्या था के सी एल ए जी सी एल ए जी यही था ना जरा ऑक्सीडेशन हाफ की ओवरऑल इक्वेशन लिखना तो ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन क्या लिखोगे ए जी प्लस आई माइनस कन्वर्टेड टू ए जी आई सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन यही हुआ रिडक्शन ऑफ की इक्वेशन लिखो रिडक्शन ऑफ की इक्वेशन क्या आ जाएगी ए जी सी एल प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इट टू एजी सॉलिड प्लस सी एल माइनस एक्वस एक्वस लिख लो सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट सिल्वर सॉलिड हट गया तो सेल रिएक्शन इज ए जी सी एल सॉलिड प्लस आई माइनस जी आई सॉलिड प्लस सी एल माइनस ये है सेल रिएक्शन यही आंसर है यही आंसर है यही आंसर था आगे दोनों आंसर सेल रिएक्शन भी लिख लिया आपने अच्छा इट इज नॉट ए कंसेंट्रेशन सेल एक बात सुन लो दिस इज ए बिग पॉइंट स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि सर आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इसको इक्विवेलेंट मेटल मेटल में जब कन्वर्ट किया तो ये कंसेंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल दिखलाई पड़ रहा है ये वाला हाँ इक्वेलन सिस्टम को हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कंसेंट्रेशन सेल लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट ओरिजिनल सेल इज नॉट ए कंसेंट्रेशन सेल सी ओरिजिनल सेल इज नॉट ए कंसेंट्रेशन सेल लेफ्ट साइड में सिल्वर आयोडाइड यूज हुआ है और राइट right साइड में सिल्वर क्लोराइड यूज हुआ है दोनों के एसपी अलग अलग है तो दोनों के रिएक्शंस भी अलग अलग हैं तो सेम मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड इन एनोड एंड कैथोड तो याद रखें दिस इज नॉट ए कंसेंट्रेशन सेल नॉट ए कंसंट्रेशन सेल ये कोई कंसेंट्रेशन सेल नहीं है तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यू शुड टेक केयर ऑफ इट हो गया ये Uh, दो एग्जाम्पल ले ली मैंने चलो एक एग्जाम्पल एक और लेता हूं मैं ऑन मेटल मेटल इन्सॉलेबल सॉल्ट अनदर क्वेश्चन ऑन मेटल मेटल इन्सॉलिबल सॉल्ट राइट सेल रिएक्शन एंड फाइंड सेल ई एम एफ क्या सेल है मान लो ऐसा लेते हैं चलो ए जी एजीसीएल के सी एल पावर माइनस टू एम ए जी एन थ्री एक्वस ये भी एक्वस टेन के पावर माइनस टू एम ए जी सॉलिड ये सेल है और क्या दिया क्वेश्चन में क्वेश्चन में दिया हुआ है के एस पी ऑफ ए जी सी एल इज गिवन एज पाराइनस टेन मान लो बस इतना ही दिया हुआ है और जरूरत पड़ने पर आप सिल्वर आयन सिल्वर का पोटेंशियल जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हो पॉइंट एट वोल्ट करो सॉल्व क्वेश्चन अब देखो सेल रिएक्शन लिखो तो लेफ्ट साइड में जरा देखना क्या है मेटल मेटल इन सॉल्ट और वो भी एनोड के रूप में तो फिर क्या रिएक्शन लिखोगे सिल्वर प्लस क्लोराइड आयन एक्वस कन्वर्टेड टू एजीसीएल सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन ये हो गया एनोट पार्ट कैथोट पार्ट इज सिंपल मेटल मेटल एन हाफ सेल तो क्या रिएक्शन बन गई ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू ए जी सॉलिड सेल रिएक्शन बनाओ सेल रिएक्शन में क्या हो गया एजी कैंसिल्ड आउट इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट ओवरऑल रिएक्शन बन गई ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस एजीसीएल सॉलिड ये है सेल रिएक्शन अच्छा एक बात ध्यान दो ये भी एक पॉइंट है हमने कहा था गलवैनिक सेल में या इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं ये भी रेडॉक्स रिएक्शन ही थी ऑक्सीडेशन हाफ ये भी रेडॉक्स हाफ था रिडक्शन हाफ ये भी रिडक्शन हाफ था देख लो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं बट ओवरऑल रिएक्शन इज अपियरिंग टू बी द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरऑल रिएक्शन इज अपीयरिंग टू बी द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो ध्यान दो गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन जो फाइनल रिएक्शन है दैट नीड नॉट लुक लाइक रेडॉक्स रिएक्शन 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 इट इज सिंपली अ प्रेसिपिटेशन फाइनल को ध्यान से देखो तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक है. Half, half, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन हाफ इंडिविजुअल रिडक्शन हाफ ये रेडॉक्स के पार्ट थे भले ही फाइनल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन दिखलाई ना पड़े तो गैल्वेनिक सेल में अपीयर होने वाली रिएक्शन नीड नॉट ऑलवेज लुक लाइक रिएक्शन तो ये ध्यान रखेंगे इस बात का दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा ये तो सेल रिएक्शन हो गई एक पार्ट तो ये आ गया आंसर हो गया ये पोटेंशियल भी तो फाइंड आउट कर लो पोटेंशियल में क्या था जरा देखना ये था सेल मैं एक बार लिख देता हूं एजी एजी सी एल के सी एल टेंडर दर माइनस टू एम जी एन ओ थ्री बीच में सॉल्ट ब्रिज है पावर माइनस टू एम एंड सिल्वर दो ये तो मेटल मेटल इनबल है तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हो Ag कन्वर्टेड टू ए जी प्लस विद्रेशन सी और ये तो सिंपल मेटल मेटल एन एजी प्लस कन्वर्टेड टू Ag. ये टेन के पावर माइनस टू एम है कुछ नहीं करना वे सी एज सी पता है किसके बराबर के एस पी ऑफ एजीसी टेन के पार माइनस टेन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ के सी एल टेन टू दाइनस टू माइनस एट आ गया अब जरा सेल रिएक्शन लिखो तो सेल रिएक्शन देखो यही आ जाएगी अभी, अभी तो हमने वाला सी है कंसंट्रेशन और ये टेन की पावर माइनस टू है आप लिखोगे तो यही आएगा देखना और इसका ई नॉट सेल हो गया सिस्टम का कंसंट्रेशन के सॉल्व कर रहे हैं तो ई इज इक्वल टू 0 minus 0 0.06 upon 1 log of what? Uh, Ag plus concentration C upon 10 to the power minus 2. Uh, value put kalo. 0 0.06 log of C. 10 to the power C? minus C 8. Upon 10 to the power minus 2. Minus 0 0.06 log of 10 to the power minus 6. छ हो गया छत्तीस पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट यही हो ना एक बार देख लेना आंसर यस दिस इज द आंसर सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेटल मेटल इन सोलेबल सॉल्ट एंड एन हाफ सेल आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आई टी एडवांस के लिए ही बहुत यूजफुल होते हैं अच्छा स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी है कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक टेलीग्राम ऐप पर पेज बनाया हुआ है टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर स्टूडेंट्स के लिए पेज है वहां पर स्टूडेंट्स ऐड होकर अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो एच टी टी पी एस टी डॉट मी एल के अंडर स्कोर सर आप यहां पर आकर के ऐड होकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं मैं सारे डाउट के जवाब तो नहीं दे पाता बट जब जब मुझे टाइम मिलता है तो आई गिव आंसर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डाउट्स कभी-कभी डाउट -कभी बहुत सारे आ जाते हैं तो मैं नहीं दे पाता हूं तो बट स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं एंड दे गिव द आंसर्स ऑफ देयर डाउट्स दैट्स इट फॉर नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दैट्स इट फॉर नाउ